हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ईज 1.0? तो ईज का फुल फॉर्म क्या होता है? इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ठीक है, इसके नाम से आपको आइडिया लग गया होगा, इनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। तो ईज के अलग अलग प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए थे और इनका स्टार्टिंग का जो इनका जो मेन पर्पस था, इनका मेन पर्पस ये था कि जो है बैंकिंग सर्विसेज जो कस्टमर को बहुत ईजली और एक्सलेंट सर्विसेज दिया जाए, जैसे डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाए, कस्टमर की कोई कंप्लेन है तो उसको सॉर्ट किया जाए, अगर लोन दिया जा रहा है तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जिसके तहत जहाँ पे सारा कुछ ट्रैक किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें ईज में की गई थी। तो ये इसका मतलब इसका जो पर्पस है ईज को सेटअप करने का, इसको लागू करने का, सो ये गवर्नमेंट का एक तरीके का इनिशिएटिव है और इस पर्पस से गवर्नमेंट जो बैंकों में जो है चेंजेस अलग अलग फेजेस में बैंकों में न्यू न्यू पॉजिटिव चेंजेस के बारे में चाहता था, तो इसीलिए इस अलग अलग जो है सीरीज में लॉन्च किया गया। पहला आपका ईज 1.0 था, तो इसमें सिक्स थीम के बारे में बात की गई थी। आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ईज 1.0 में क्या क्या चीज़ें हैं, 2.0 में, 3.0 में, 4.0 में, तो चारों आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा, ये आपका पूछ सकते हैं। तो ईज 1.0 में आपके सिक्स थीम के बारे में बात की थी, वो आपका कस्टमर रिस्पॉन्सिव है, यानी कस्टमर को आप कितना कंफर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई फिजिकली डिसेबल चाहिए, या कोई ओल्ड एज है, उसको आप किस तरह से सुविधाएं दे रहे हैं, तो उसको बोला था कस्टमर रिस्पॉन्सिव। दूसरा आता है रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग। तो इसमें क्या होगा कि आप एक गवर्नेंस किस तरह से इंप्रूव कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना आप इंप्रूव कर रहे हैं, क्रेडिट ऑफ टेक मतलब कोई भी लोन है तो उसके लिए प्रोएक्टिव वे में किस तरीके से काम कर रहे हैं, उद्यम मित्र फॉर एमएसएमई। तो जो एमएसएमई लोन है 15 दिन में आप उनको सेटलमेंट फाइनल करके दे रहे हैं और जो है एक सिंगल विंडो अवेलेबल कराया जाए जहाँ पे एमएसएमई की सारी क्वेरीज को रिजोल्व किया जाए, तो उद्यम मित्र एमएसएमई के लिए। और जो है होम बैंकिंग मतलब डिजिटल आप सर्विसेज दीजिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन कीजिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है दूर दराज के एरिया में बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कराना। डिजिटलाइजेशन कीजिए, जैसे माइक्रो इंश्योरेंस की सुविधा दीजिए या नियर होम बैंकिंग। नियर होम मतलब विद इन 5 किलोमीटर रेडियस कोई ना कोई बैंक की ब्रांच कस्टमर को मिल जाए। माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है, छोटे अमाउंट का 50,000 तक का जो आप इंश्योरेंस कवरेज देते हैं तो उसको बोला था माइक्रो इंश्योरेंस, वो सुविधा देना। डिजिटलाइजेशन, सब चीज़ें ऑनलाइन जो है कस्टमर को अवेलेबल हो जाए। तो ये इसका पांचवा थीम है। छठा और लास्ट इसका थीम है इंश्योरेंस आउटकम एचआर डेवलपिंग पर्सनल फॉर ब्रांच पीएसपी। तो जो स्टाफ है प्रॉपर उनको इंप्रूव किया जाए, उनको ट्रेनिंग के थ्रू एचआर इनिशिएटिव को बढ़ाया जाए। तो ये सारे आपके ईस्ट 1.0 के थीम्स इसमें हो गए। ईस्ट 2.0, तो ईस्ट 1.0 में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई, तो उसी की वजह से जो है कुछ चीज़ें रह गई थी, तो उसको ईस्ट 2.0 में जो है लॉन्च किया गया था। इसमें किस किस के बारे में बात की गई थी, इसमें जो है हार्ड वायरिंग ऑफ साउंड आईटी सिस्टम और प्रोसेसेस किस में बात की गई थी, एक लोन मैनेजमेंट सिस्टम को स्टैब्लिश करने की बात की थी। लोन मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे आपका लोन का सारा डेटा, जब से लोन प्रोसेसिंग के लिए आया, जब आपको लोन की पेमेंट हुई, तो सारा डेटा आपका लोन मैनेजमेंट सिस्टम में जो है डाला जाता है। ठीक है, इससे आपकी प्रोसेसिंग और ट्रैकिंग लोन की जल्दी की जाती है। सेकेंड आता है आपका अर्ली वार्निंग सिग्नल। अर्ली वार्निंग मतलब कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा बड़ा इशू हो जाए तो उससे पहले उसको पता लगाना, तो बैंकों में अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए ताकि अगर कहीं पे बैंकों का कोई फ्यूचर में कोई बड़ा इशू आए तो उससे पहले से उसको समझ सके और उसको रिजॉल्व कर सके टाइम बाउंड मैनर में। तो ये सारी चीज़ें ईस्ट 2.0 में फोकस की गई थी। और इसमें भी जो है एचआर आपका सिस्टम की बात की थी, जैसे ई लाइसेंस कराना, रोल बेस्ड सर्टिफिकेट्स, वो सब प्रोग्राम स्टाफ के लिए लाना, तो वो सब इसमें बोला गया था। नेक्स्ट आता है कि ईज 3.0 में किसके बारे में बात की गई थी, स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, मतलब जो लोन है आप स्मार्ट वे में करेंगे, जैसे प्री अप्रूव लोन होता है ना उस तरह से, और आपका आईटी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करे। टेक इनेबल ईज ऑफ बैंकिंग, नई नई टेक्नोलॉजी को आप अपना बैंकिंग के लिए इस्तेमाल करें, और गवर्नेंस एंड आउटकम सेंट्रिक। तो एचआर तो हर किसी में बात ही किया गया, और मेन मेन आप देखेंगे टेक्नोलॉजी, उसी के आसपास ही बातें रिवॉल्व हो रही। तो ईज 3.0 में ये सारे चार थीम्स बोले गए। 4.0 में भी वही बात की गई है, 24/7 आपको बैंकिंग सर्विसेज देनी है, यानी जो भी कस्टमर है उनको इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, जो आपका मोबाइल बैंकिंग, इस तरह की सर्विस आपको इंप्रूव करानी। सेकेंड आता है कोलोबरेटिव बैंकिंग, इसको बोलते हैं को लेंडिंग। को लेंडिंग मतलब बैंक और एनबीएफसी मिलकर जो है लोन दे, क्योंकि कई बार दूर दराज गाँव के एरिया तक बैंक नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ पर ये जो आपका कोलोबरेटिव बैंकिंग है बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। बैंक और आपका एनबीएफसी मिलकर जो है लेंडिंग एक्टिविटी करें, उसी को कोलोबरेटिव बैंकिंग बोला जाता है। तो इसकी बात भी ईज 4.0 में की गई थी। इन पॉइंट्स को आप लोग याद रख लीजिए, पूछ सकते हैं कि किस वाले ईज में कौन सा थीम था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद करके जा सकते हैं। आपका ईज 5.0 था, इसमें मेनली दो आपके इनिशिएटिव लिए गए थे,
पहला था ईस्ट 5.0 में, एक तो था कॉमन और एक था 3 ईयर रोड मैप। तो एक जो है ईस्ट 5.0 में दो इनिशिएटिव थे, एक तो था कॉमन जो सभी के लिए था और एक 3 ईयर रोड मैप। तो ये बैंक टू बैंक था, अलग अलग बैंकों का साइज है, अलग अलग उनकी बिजनेस प्रायोरिटीज है, तो उनके हिसाब से उनको 3 साल का अपना रोड मैप प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये इसका दूसरा थीम था। और पहला बोला था कि कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा, मतलब ये सभी पे लागू होता है, कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा। ठीक है, तो ईस्ट 5.0 में क्या था, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन न्यू एज कैपेबिलिटीज एंड डीड द ऑनगोइंग रिफॉर्म्स टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर नीड्स। तो इसमें क्या बोला था कि जो भी कस्टमर्स है, जो भी बैंक है, तो उनको नई जो टेक्नोलॉजी, अभी जो नया टाइम चल रहा है, क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी का, डिजिटल कॉम्पिटिशन का, तो उसी हिसाब से कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझ के बैंकों को टेक्नोलॉजी को अपने इन्वॉल्वमेंट को इम्प्रूव करना होगा। ये सबके लिए कॉमन था कि सभी को अपनी कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझ कर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, ये आपका कॉमन प्लान भी था। जो उसका 3 ईयर प्लान है, तो उसमें क्या फोकस किया गया था कि बैंकों को अपना 3 ईयर्स रोड मैप रेडी करना है, उसको लेकर स्ट्रैटेजी बनानी है। इसमें बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क, कस्टमर सर्विसेज, ऑपरेशन और कैपेबिलिटी बिल्डिंग, तो इन सभी थीम्स को ध्यान में रख के आपको 3 साल का रोड मैप रेडी करना है। तो ये दो बातें ईस्ट 5.0 में कही गई थी। तो 5.0 के दो है, एक कॉमन फॉर ऑल और एक 3 ईयर्स, जो कि बैंक टू बैंक वैरी होगा, किस हिसाब से उनके बिजनेस प्रायोरिटीज हैं तो वो अपना बनाएंगे। तो जो कॉमन फॉर ऑल है उसमें बिल्कुल सिंपल है कि जो है रिफॉर्म्स के करना है आपको, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझ के नई नई टेक्नोलॉजी को लागू करना है। जो 3 ईयर वाला प्लान है उसमें क्या होगा कि अलग अलग थीम, जैसे बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क, कस्टमर सर्विसेज, ऑपरेशन, इन सबको लेके जो आपको प्लान बनाना है, ठीक है, तो वो आपका 3 ईयर प्लान इसमें हो जाएगा। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी आपके इससे पहले के जो हमने ईस्ट प्रोग्राम देखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, सभी प्रोग्राम्स आपको बिल्कुल जो है याद करके जाने हैं। वट इज़ द पर्पज़ ऑफ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, LTRO को गवर्नमेंट ने क्यों स्टार्ट किया था? तो लॉन्ग टर्म रेपो का इशू क्या था, जनरली कोविड के टाइम पे इसकी शुरुआत की गई थी। तो बैंकों के पास पैसा यानी लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं था, सफिशेंट कैश बैंकों के पास नहीं था, इसी वजह से जो है लॉन्ग टर्म रेपो ये जो है 3 साल तक के लिए इसको इशू किया गया था RBI के द्वारा। ठीक है, 3 साल के टेन्योर तक के लिए इसको इशू किया जा सकता है, और इसमें कॉरपोरेट बॉन्ड इशू कर सकती है बैंक, 1 लाख करोड़ तक का टोटल जो अमाउंट है, 1 लाख करोड़ तक जो है रेस कर सकती है लॉन्ग टर्म रेपो इशू करके। ये आपका प्लान था, ये लॉन्ग टर्म रेपो। तो RBI इस बात को इंश्योर करना चाहता था कि लिक्विडिटी मार्केट में बनी रहे, ठीक है, ताकि मॉनेटरी सिस्टम अच्छे से काम करे, इकोनॉमी में पैसे का फ्लो हो, तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म रेपो को जो है बनाया गया था। और इसमें क्या है कि 3 साल तक का जो टेन्योर है, 3 साल तक के लिए आपके लॉन्ग टर्म रेपो को जो है इशू किया गया था, और कॉरपोरेट बॉन्ड में 1 लाख रुपये तक की जो है रेजिंग इसके द्वारा की गई थी। एक B.R. अंबेडकर जी ने बुक लिखी थी RBI के ऊपर, तो उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, इट्स ऑरिजन एंड इट्स सॉल्यूशन। सिंपल सा नाम है, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, इट्स ऑरिजन एंड सॉल्यूशन। तो इसमें RBI को लेके वर्किंग स्टाइल, आउटलुक जो भी है, RBI के बारे में जो है प्रेजेंट किया गया था डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के द्वारा। वट इज़ RBI मॉनिटरी कमेटी मीटिंग? तो जो RBI की मॉनिटरी कमेटी है, जो मॉनिटरी पॉलिसीज वो सब देखती है, तो साल में उनका फ्रिक्वेंसी क्या होता है, तो 6 टाइम्स इन ईयर, तो अलग अलग आपके पॉलिसी जो रेट है इंटरेस्ट रेट को लेके, तो ये और जो इन्फ्लेशन है, जो भी टारगेट गवर्नमेंट सेट करती है, तो उन सभी चीज़ों को लेके पॉलिसी जो है बनाती है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, मतलब कॉइन मिंटिंग के लिए कौन है, ये गवर्नमेंट का रोल रहता है जनरली, और इसीलिए 1 रुपये का जो नोट है, मतलब 1 रुपये का जो कॉइन नोट है, उस पर जो है RBI, यानी कि RBI के गवर्नर का नहीं, बल्कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट का, उसका जो है इसमें सिग्नेचर रहता है। हाउ मेनी मेंबर्स इन बोर्ड ऑफ IRDA? तो IRDA को जो है IRDA एक्ट 1999 के तहत बनाया गया था। सो IRDA को एक फुल टाइम चेयरमैन जो कि इसको हेड करता है, और इसके बोर्ड में 5 मेंबर्स होते हैं, और ये फुल टाइम है, और पार्ट टाइम जो है 4 मेंबर्स होते हैं, और जितने भी इसके मेंबर्स हैं इसको आपकी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वट इज़ NARCL, बैड बैंक? इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा था, इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी था। तो ये जो है आपको जो बैंकों के जो बैड लोन है, जो NPA, उसको खरीदने का काम करता है, ठीक है, और पेमेंट किस तरीके से करता है, ये बैंकों को ऑफर देता है बैड लोन खरीदने के लिए, और अगर बैंक एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मिनिमम जो अमाउंट है 500 करोड़ का आपको होना चाहिए, तभी आप इसको बेच सकते हैं। मतलब जो कट ऑफ है मिनिमम 500 करोड़ होगा, तभी आप अपने NPA को, NPA लोन जो है अगर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तभी आप इसको बेच पाएंगे। पेमेंट 15% आपको कैश मिल जाएगा इमीडिएटली, बाकी का 85% आपको सिक्योरिटी रिसिप्ट मिल जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट का गारंटी रहता है। और
यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो बैड बैंक है इसको इसको इसका जो कंसेप्ट है कहाँ से आया है, एक नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होनी चाहिए आने RCL, और डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी के साथ वो मिलकर काम करेगी। और जो आपका NARCL कंपनी है इसको बैंकों के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था ताकि वो जो उनके जो स्ट्रेस रहता था उसका रेजोल्यूशन किया जा सके, और IDRC सिर्फ इसको सर्विसेज या ऑपरेशन का काम करते जो कि इसके असेट्स को मैनेज करेगी। तो जो IDRCL है वो उसके असेट्स को मैनेजमेंट का काम देखेगी, और NARCL जो है बैंकों के बैड लोन्स को खरीदने का वो सब काम इसमें देखेगी। वट इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NPA? तो जब भी आप NARCL को पैसा बेचना चाह रहे हो तो मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का जो है अलाउड है? तो जब इसको बनाया गया था NARCL को, तो इसमें बोला था कि 2 लाख करोड़ तक के बैड लोन को खरीदेगी, वो इसका टारगेट था। ठीक है, उसमें से जो कि टोटल जो है बैड लोन है उसका 1.8% है। ठीक है, इतने का टारगेट उसको बनाया था, उसमें से 90,000 ये ऑलरेडी पहले फेज में 90,000 के जो बैड लोन है वो खरीद चुकी है, और मिनिमम कट ऑफ रेट हमने बोला जैसे कि 500 करोड़ होना चाहिए, यानी अगर बैंकों का NPA कम से कम 5 करोड़ है तभी NARCL उसको खरीदेगी। और स्टार्टिंग में 90 करोड़ का टारगेट पूरा हो गया, फिर अगले वाले बार में जो बाकी का बैलेंस अमाउंट है 1,10,000, तो उसको अगली वाली जो है फेज में ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल ऑफ NABFID? NABFID के बारे में पढ़ा, NABFID क्या होता है? ये आपका नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग, इसका फुल फॉर्म है हमारा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ये जनरली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को जो है देने का ही काम करती है, जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन 5 से 40 साल वाले लोन होते हैं, तो उनको लोन देने का ये काम करती है। और जो है ये मतलब इसका ऑथराइज कैपिटल कितना है, वो है 1 लाख करोड़, यानी कैपिटल इशू करके, मतलब कैपिटल शेयर्स इशू करके ये 1 लाख करोड़ तक का जो पैसा है रेज कर सकती है मार्केट से। ठीक है, बॉन्ड्स इशू करके, डिबेंचर्स, शेयर्स, और भी कई सारे ऑप्शन है जिसके थ्रू ये 1 लाख करोड़ तक की इसको अथॉरिटी मिली हुई है कि वो 1 लाख करोड़ तक का पैसा रेज कर सकती है बॉन्ड ये सब डिबेंचर्स इशू करके। और इसका मेन पर्पस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना, तो जो लॉन्ग टर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वहीं पे पैसे को फाइनेंस करती है। तो ये आपका NABFID का मेन रोल इसमें हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया इज वन ऑफ द थीम। तो किस एडिशन, ईस के अलग अलग एडिशन देखे हमने, ईस 1.0, 2.0, कई सारे एडिशन। तो ये आपका स्मार्ट लैंडिंग किस वाले में बात किया, तो ये हमने देखा था ना ईस 3.0। तो स्मार्ट लैंडिंग का मतलब आप प्री अप्रूव लोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि कस्टमर का कैश फ्लो चेक करके प्री अप्रूव इस तरह के लोन अवेलेबल करा रही है, तो वो हमारा स्मार्ट लैंडिंग हो जाएगा। तो ईस 3.0 में इसके बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एट द COP26 मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो मीटिंग होती कंट्रीज की, यूनाइटेड नेशंस, तो उसकी जो मीटिंग है उसमें इंडिया ने अनाउंस किया था OSOWOG। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने OSOWG को अनाउंस किया था। इसका पर्पस था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, तो जहाँ भी आपको ओ दिख रहा था वो वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला एस आपको सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा डब्ल्यू आपको वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जी आपका ग्रिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो तीन चीज़ें यहाँ पे हो गई, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये इनिशिएटिव था टू इंट्रोड्यूस ए ट्रांजिशन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड दैट सप्लाई पावर वर्ल्ड, मतलब ऐसा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी किसी एक कंट्री में ज़्यादा हो रही है, तो इस तरह का ग्रिड सेटअप करना चाहिए कि जहाँ पे कम, कुछ ऐसी भी तो कंट्रीज है ना जहाँ पे धूप नहीं आती होगी, तो वो लोग सोलर प्लांट, वो तो उनके काम का नहीं है। तो बोला गया कि वन वर्ल्ड वन ग्रिड, मतलब इस तरह से ग्रिड सिस्टम लगाना है, इस तरह से कनेक्टिविटी करनी है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, कि आसानी से जिस कंट्री में जैसे मान लीजिए कहीं पर दिन हो रही है, कहीं पे रात हो रही है, तो दिन के टाइम पे जहाँ पे सूरज है वहाँ की एनर्जी को जहाँ पे रात हो रही है वहाँ पे रात के लिए भेजा जा सके, और जब यहाँ पे रात होगी तो उस एनर्जी को यहाँ भेजा जा सके। तो इस तरह का कुछ सिस्टम सेटअप करने की बात की गई थी, वही आपका वन सन वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसमें बोला था कि जो वर्ल्ड है उसको वन मान के चलना, क्योंकि सन वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सन एक है, तो इस तरह से कहीं पे दिन है कहीं पे रात है, तो बोला था कि इस तरह से ग्रिड, ये जो ग्रिड है, वन वर्ल्ड तो समझ में आ गया, वन सन की सन एक है और वर्ल्ड को भी एक मान के चलना है। वन ग्रिड का मतलब सभी के बीच में जितने भी कंट्रीज है आपस में ग्रिड से वो कनेक्टेड रहे, ताकि जहाँ पे दिन में धूप हो वो रात में जहाँ अंधेरा होता है उसको सोलर पावर के थ्रू अपना एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफर जो है सप्लाई कर सके, और जब यहाँ पे रात होगी इसको ट्रांसफर कर। तो इस तरह का कोई ग्रिडिंग सिस्टम काम करना चाहिए, तो यही आपका इस मीटिंग में बोला गया था। एज पर प्रोजेक्शन द इंडियन इकोनॉमी वुड फेस इकोनॉमिकल चैलेंज इन द फ्यूचर, प्रोजेक्शन किया कि फ्यूचर में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो चैलेंज वाले फेस से गुजरेगी, और क्लाइमेट चेंज इज लाइकली टू ग्रो। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है आप देख रहे हैं क्लाइमेट की वजह से कितना ज़्यादा इंपैक्ट हो रहा है, तो इससे जो है GDP कम हो जाएगी 2.8% तक हो जाएगी पर ईयर। कब होगी, और वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्शंस की है तो 2050 तक ऐसा होगा। ठीक है, 2050 तक इंडिया का जो GDP है वो 2.58% तक आ जाएगा, और
2050 तक ऐसा होगा। तो ये आंसर हो गया बी, ये वर्ल्ड बैंक का जो है प्रेडिक्शंस है। सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप SFG, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशंस, और ये किसका डिपार्टमेंट है, आपका जो RBI उसी का। उसने एक सर्वे कैरी किया जनवरी 2022 टू असेस द स्टेटस ऑफ क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस इन लीडिंग शेड्यूल। तो जो कमर्शियल बैंक है कैसे वो क्लाइमेट रिस्क को देख के उस तरीके का जो है फाइनेंस कर सके, तो इसी को लेके जो है सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रुप जो कि RBI का डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन है उसके द्वारा सर्वे कैरी किया गया था। ये किसके रिगार्डिंग था, असेस करने के लिए कि क्लाइमेट रिस्क कितना है और किस तरह से फाइनेंस किया जाएगा बैंकों के द्वारा ताकि उस क्लाइमेट रिस्क को कुछ कम किया जा सके। तो वो RBI के द्वारा, जो RBI का जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा, ये जो सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप डिपार्टमेंट ऑफ RBI के द्वारा सर्वे कैरी किया गया था जनवरी 2022 में। इसमें बोला RBI ने जो है कई सारे पॉलिसी में मेजर्स किए ताकि ग्रीन फाइनेंस बढ़े, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक कार्स हो गई, इस तरह के इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए RBI ने कई सारे प्रोएक्टिव, मतलब टाइम आने से पहले एक्टिव हो जाए, तो कई सारे प्रोएक्टिव पॉलिसी मेजर्स किए हैं। इट हैज़ इंक्लूडेड द स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अंडर इट्स प्रायोरिटी सेक्टर। आप जानते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी में बैंक लोन देता है तो उसको भी बैंकों के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाले टारगेट में ऐड कर दिया। तो इसीलिए क्या है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत जरूरी है और क्लाइमेट को जो इतना इंपैक्ट हो रहा है, तो प्रायोरिटी सेक्टर में लोन देके बैंक जैसा था लोन दे इस पर्पज के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी इन सब के लिए, इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी को प्रायोरिटी सेक्टर में ऐड कर दिया था 2015 में। अंडर द स्कीम फर्म्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आर एलिजिबल। तो अगर कोई फर्म्स जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, तो उनको कितने तक का लोन बैंक देगा और उसको प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा, तो उसका आंसर है 30 करोड़। 30 करोड़ तक का फाइनेंस दे सकते हैं। पहले ही आपका 15 करोड़ था, उसको बढ़ा के सितंबर 2020 से इसको 30 करोड़ कर दिया। अब 30 करोड़ तक का बैंक फाइनेंस दे सकता है। द हाउस होल्ड, अगर कोई इंडिविजुअल को कोई कोई अपने छत पे मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी, कोई सोलर एनर्जी या कुछ लगाना है, तो उसको 10 लाख तक का लोन अगर बैंक देगा तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा। अगर इंडस्ट्रीज को 30 करोड़ तक का लोन दे सकता है और इंडिविजुअल को 10 लाख तक का, ठीक है, ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी को प्रायोरिटी सेक्टर में मान लिया गया। अब बैंकों का जो प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा अगर बैंक रिन्यूएबल सेक्टर के तहत भी लोन दे रहा है, तब, क्योंकि 2015 से ये जो रिन्यूएबल सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर, उसको जो बैंक लोन दे रहा है उसको प्रायोरिटी सेक्टर में ऐड कर दिया। विस सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट प्रोवाइड लीगल सपोर्ट। तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लीगली इसको कहाँ पे, इसको किस सेक्शन में इंक्लूड किया है, तो सेक्शन 135। तो जो कंपनी एक्ट सेक्शन 135 है, वहाँ पे बोला है कि कोई भी कंपनी जिसका एक लिमिट से जो प्रॉफिट है एक लिमिट से क्रॉस करता है, तो उसको 2% का जो प्रॉफिट है हर साल, और आपको किसी सोशल एक्टिविटीज़ में, किसी सोशल पर्पज़ के लिए उस पैसे को खर्च करना है। मान लीजिए कहीं पर स्कूल बनवा दिए, कहीं पे पार्क बनवा दिए, सड़कें बनवा दी, तो इस तरह के सोशल पर्पज़ के लिए आपको खर्चा करना होगा मिनिमम 2%, एटलीस्ट 2%, ये मिनिमम लिमिट है, ठीक है। तो वही आपका CSR है और इसको सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट में डिफाइन किया गया। पहले ये वॉलंट्री था, पहले जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज था ये आपका वॉलंट्री था, मतलब बैंकों की, सॉरी बैंक नहीं, जो कंपनीज है उनकी मर्जी हुआ करती थी। तो आप जानते हैं जब कोई भी सोशल चैरिटी का काम अगर मर्जी से हो तो वो उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, तो इसीलिए फिर इसको कंपनी एक्ट में अमेंड करके सेक्शन 135 में डाल दिया कि अब सबके लिए मैंडेटरी है, जो भी कंपनी इससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो CSR के तहत उनको 2% तक का जो है कुछ सोशल वर्क इस तरह की एक्टिविटी में खर्चा करना होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 11-12 एस्टिमेट, और जो रूरल पॉपुलेशन है 25% और जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें से 13% वर बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन से भी नीचे, गरीबी से भी नीचे रेखा में वो लोग रहते हैं। तो उसके लिए सरकार ने कई सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए ताकि गरीबी को दूर किया जा सके, ठीक है। आउट ऑफ बिलो प्रोग्राम्स विच इज़ वन ऑफ द पार्ट। तो जो पॉवर्टी को, गरीबी को कम करने के लिए सरकार ने प्रोग्राम चलाए, तो इसमें से वो कौन कौन से प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर, आत्मनिर्भर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो ये सारे प्लान थे गरीब एरिया में उनको, जैसे स्ट्रीट वेंडर को लोन देना, तो इस तरह के जो प्रोग्राम है सारे ही चलाए गए थे। तो ऑल ऑफ दिस, तो ये सारे प्रोग्राम उसी का पार्ट थे ताकि गरीबी को दूर किया जा सके। तो आंसर हो जाएगा ए। और आप इस स्कीम को तो जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसी में, इसी स्कीम के तहत मिनिमम इतना जो, अब इसको चेंज करके NREG कर दिया, नेशनल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो उसके तहत अब आपको जो है एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, इसमें फिक्स रहता है कि कम से कम इतने दिन आपको काम मिलेगा साल में। चलिए, इसके साथ ये वाला आपका पार्ट कंप्लीट हो गया, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।